तो गाइज़ हम आ चुके हैं आपके साथ एक और नया डिज़ाइन शेयर करने, जो कि काफ़ी यूनिक है। और अभी हम लोग स्लीव्स पर वर्क है जो सिल रहे हैं, थोड़ा काम हो चुका है इसमें ऑलरेडी। अभी हम आपको दिखाएंगे जब बैक नेक पे होगा या फ्रंट पे होगा, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने इसमें शुगर बीट से सिली हैं, जो पोत बोली जाती है, उसके बाद तीन नंबर मोती है ना, तीन नंबर मोती है, फिर उसके बाद में शुगर बीट से, फिर रेशम है, और फिर ऊपर पोत सिली जा रही है। तो इसी तरह का, और ये बॉर्डर थोड़ा चौड़ा होगा, तकरीबन 2 इंच का बॉर्डर होगा, एक इंच का बॉर्डर होगा। उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रेट बॉक्सेस बनेंगे पूरे स्लीव्स में, थोड़ा यूनिक वर्क होने वाला है जो हम आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो अभी स्लीव्स पर काम चल रहा है, अभी आगे का जो भी काम है हम वो आपको दिखाएंगे। और बैक में इसका पॉट नेक होने वाला है जो 9 इंचेस है, 9.5 इंचेस, और इस तरह का है देखो, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग ना पिंक कलर का रेशम सिल रहे हैं, ये चार रेड हैं, मैरून कलर है यार, रेड नहीं है। कितनी लाइन सिली हैं, 3, 3, 6, 8 शुगर बीट्स की लाइन सिलने के बाद में ऊपर हम लोग सिल रहे हैं मैरून कलर का रेशम, जो कि आपको शायद पिंक कलर का दिख रहा होगा। तीन लाइन सिलेंगे हम लोग रेशम की, उसके बाद में कुछ ऐसा लुक दिखेगा। ये देख रहे हैं, ये बॉर्डर तैयार है ना इधर वाला, और ये बॉर्डर तैयार है अभी, ऊपर के बॉक्सेस सिले जाएंगे इसमें। तो वो देखिएगा, इसमें भी 8 लाइन है शुगर बीट्स की, और 3 नंबर मोती की 2 लाइन है, फिर 4 एक्स्ट्रा लाइन है, पूरी शुगर बीट्स की 12 लाइन है। अभी एक बार और रिटर्न स्टिच होगा, उसके बाद में जैसा नीचे देख रहे हैं आप, यही लुक ऊपर आ जाएगा। आगे का जो काम होता है हम वो आपको दिखाते हैं। तो गाइज अभी हम लोग जो ऊपर के बॉक्सेस हैं उन्हें प्रिंट कर रहे हैं, तो वाइट चॉक से कर रहे हैं और बंद कर रही है इस तरह से, ठीक है। ये देखो बोला नहीं तो जरूरत तो तुमका थी ना। तो गाइज अभी हम लोग जो बॉक्सेस हैं उनको प्रिंट कर रहे हैं, चॉक से हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी स्टिचिंग हो जाएगा तो चॉक से आराम से हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक तरफ हो चुका है और एक तरफ बाकी था, तो आप लोगों को दिखा रहे हैं अभी। बीच सेंटर से रख के ये बॉक्सेस हैं, देखो इस तरह से पूरा बॉक्सेस में प्रिंट कर लेना है, और स्लीव्स की लेंथ के हिसाब से करना है, जितनी स्लीव्स है थोड़ी देर तक रब करना, उसके बाद में जब निकालेंगे तो पूरा प्रिंट हो जाएगा। आप लिक्विड से भी प्रिंट कर सकते हैं, जो पाउडर और कोरोसिन मिक्स होता है, अगर ज़्यादा डार्क चाहिए जिसमें प्रिंट जाए ना तो उससे कर सकते हैं, अदरवाइज अगर लाइट आपको करना है तो इससे कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है। ये भी पूरा हो गया है, अभी सिलने के बाद ये पूरा साफ़ हो जाएगा, कलर ये निकल जाता है, रुकता नहीं है, ठीक है। अभी आगे की अपडेट आपको देते हैं। तो गाइस अभी बॉक्सेस पे काम शुरू हो चुका है जो हमने प्रिंट करा था, और उधर एक बॉक्सेस रेडी हो चुका है वो देखो, ठीक है। और सेम वैसा ही ये भी बनेगा, तो अभी शुगर बीट्स स्टिचिंग करी जा रही है, ठीक है। पूरे में पहले इस तरह से करी जाएंगी, उसके बाद में अपोजिट से ली जाएगी, जिससे बॉक्सेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे उधर आप देख सकते हैं ऑलरेडी बन चुका है, और ये साइज़ के बनते हैं, आप देखेंगे ज़्यादातर सबके साइज़ सेम है, क्योंकि इसके बीच में जो स्पेस है उसमें जो वर्क सिला जाएगा वो सिमिलर ही होता है, कम ज़्यादा नहीं होता है, तो इसके लिए जो भी स्पेस है वो सेम ही रखा जाता है। इधर भी आप देख सकते हैं जो बॉक्सेस की प्रिंटिंग है वो ज़्यादातर सेम ही है पूरी, ठीक है। और उसके बाद जो भी अपडेट होती है हम आपको बताते हैं, अभी तो फ़िलहाल इस तरह से स्टिचिंग करी जा रही है। जब इस तरह से करी जाएगी अपोजिट साइड में, जब हम आपको दिखाएंगे, और उसके बाद जो बॉक्सेस में काम सिला जाएगा वो किस तरह से क्या होगा वो भी बताएंगे। अगर किसी को भी ऑर्डर देने हैं इस डिज़ाइन के, तो वो व्हाट्सअप कर सकता है या कमेंट करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। तो अभी जो बीच में स्पेस है वहाँ पर बूटीज सिली जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि एक थोड़ा सा काम हम आपको नहीं दिखा पाएँ, जो इस टाइप के बॉक्सेस सिले हैं वो नहीं दिखा पाएँ, बट हम कोशिश करेंगे कि आगे दिखा पाएँ। और अभी बैक में भी काम शुरू हो गया इसके, तो इसके लिए हम लोगों ने
तरह का काम शुरू करा है। वो सेम साइज है, वो रेड वाला ब्लाउज निकाल के सेम साइज है। तो इस तरह से पूरे बॉक्सेस में जो स्पेस देख रहे हैं इसको फिल करेंगे हम लोग इस बूटी से, और बूटी के नीचे लुक कुछ ऐसा आएगा। ये बूटी जैसे पर्ची ने वो साइज रखा है रेड वाला ब्लाउज ब्राइडल, ये रखा है स्टूल पे, तो सेम उसी इसी तरह से बनाना है। पहले ऊपर राउंड बूटी सी ली जाएंगी, उसके बाद में नीचे ऐसे रफी कितने 5 मोती 6 मोती हैं 3 नंबर के, उसके बाद में नीचे इसके और टचअप दिया जाएगा, तो काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, यही डिज़ाइन है इस तरह। अभी हम आ चुके हैं बैक में, जो बैक में कुंदन से स्टिक करे जा रहे हैं, जो रेड कलर है डार्क रेड मरून उसका कुंदन हम लोग पहले स्टिच कर वो चिपका रहे हैं। ये ग्लू लगाने के बाद कुंदन्स लगा के थोड़ी देर छोड़ देते हैं 10-15 मिनट, जब ये सूख जाता है तो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बेस्ट हो जाता है, और ये कलर वाइट वाला चले जाता है सूखने के बाद में। पॉट नेक है और बैक का डीप है 9.5 है आई थिंक, या 10 होगा, और 10 है आई थिंक। तो इसी तरह से पूरा बॉर्डर बनेगा। स्लीव्स इसका ब्राइडल है और बैक नेक पे ज़्यादा वर्क नहीं है, छोटा ही है। इस तरह से बनेगा, देखो इसका जो गैप रखा जाता है कुंदन से वन कुंदन से दूसरे कुंदन तक, तो वो सिमिलर ही रखना है, बिकॉज जब आप स्टिचिंग करने के बाद में वो गोल्ड स्प्रिंग स्टिच करेंगे अगर बराबर नहीं है तो स्पेस दिखता है, तो इसके लिए आपको पूरा गैप बराबर रखना है। इस तरह से देखो ऐसा, ठीक है। अभी आगे का काम हम आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग ये जो कुंदन हम लोगों ने चिपकाए तो उसके साइड में मोती सिल लें, पोत सिल लें, इस तरह से फ्लावर्स टाइप में आ रहा है, पान बोलते हैं, और पूरे में इसी तरह से सिलना है उस साइड तक नेक में। ये देखो एक बार में कितनी 3 पोत उतार रहे हैं ना, एक बार में 2 पोत उतारी जा रही हैं। देखो 2 उतारेंगे तो क्वालिटी वर्क दिखता है, अगर 3-4 उतार देंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, गिल्टी गिल्टी दिखेगा। ठीक है, अभी हम स्टिचिंग कर रहे हैं रेड कलर का, वही मैरून कलर का मोती इसके नीचे, और ऊपर एक गोल्ड कलर की शुगर बीट्स है उसके नीचे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो नीचे इसके वो सिलना है, और इधर काम हो चुका है कंप्लीट, और बैक भी हो चुकी है कंप्लीट, अभी आपको हम दिखाएंगे। तो अभी हम लोग ना नीचे के साइड में मोती सिल रहे हैं, ये देखो, और इसी तरह से पूरा करेंगे इसको। देखिए एक मोती है बीच में, और एक नीचे शुगर बीट से, एक ऊपर शुगर बीट से, और ऊपर एक गोल्डन मोती है उसके ऊपर शुगर बीट से, नीचे शुगर बीट से। तो उसका लुक देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मोती ना बहुत ज़्यादा उठ के दिख रहा है, कलर बहुत ज़्यादा उसका यूनिक लग रहा है। अगर किसी को भी ऑर्डर देना है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, या YouTube पे कमेंट के थ्रू हेल्प ले सकते हैं, Instagram पर फॉलो ज़रूर करिए, वहाँ पर हम हर दिन कुछ ना कुछ आपके लिए अपलोड करते रहते हैं जो यूनिक है कंटेंट, इससे पहले जो आपने नहीं देखा होगा आइटम, तो ऑर्डर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% जेन्युइन है, और क्वालिटी आप देख सकते हैं वर्क की। ये फ्रंट नेक है इसका, ये देखिए, तो इसका फाइनल लुक हम आपको अभी देखते हैं। ये फाइनल हो चुका है, बैक में पॉट नेक है और सिंपल वर्क है, लाइक बॉर्डर है कुंदन से सिले हुए हैं, उसके साइड में शुगर बीट से सिली हुई है इस तरह से। ठीक है,
और अब आते हैं फ्रंट नेक की तरफ। फ्रंट नेक भी ऐसे ही है, ये देखो। अब हम आपको स्लीव्स दिखाते हैं, इसका जो मेन वर्क है वो स्लीव्स में है, देखो इस तरह से सिलना है। नहीं ये बूटी नहीं है, खाली गला है, ये देखो इस तरह से दूसरा स्लीव है। अगर किसी को भी ऑर्डर देना है सेम डिज़ाइन तो व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड कमेंट में भी डिटेल्स ले सकते हैं आप। देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं गाइस। अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।